जो पुण्य नदियाँ हैं उन सब में स्नान का महत्व है, तिल दान का महत्व है और उसके साथ में अन्नदान का महत्व है। नर्मदापुरम में मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ नर्मदा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर श्रद्धालुओं ने भिक्षुकों को तिल का गुड़ और खिचड़ी दान दिया। जो पुण्य नदियाँ हैं उन सब में स्नान का महत्व है, तिल दान का महत्व है और उसके साथ में अन्न दान का महत्व है। तिल गुड़ अन्न वस्त्र और इसी प्रकार से अनन्य चीज जो अपन दान कर सकते हैं तो दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान करने से क्या लाभ मिलते हैं? अरे मैंने बताया ना, बीच बता में दूर दराज के इलाकों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान के बाद शनि मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने तिल तेल भगवान शनि देव को अर्पित किए और सुबह से ही घाट पर पूजन पाठ कथा का सिलसिला जारी है। बहुत महत्व है क्योंकि हमारे यहाँ तिल गणेश तिल मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं और शुभ कार्यों के आगमन के साथ ही शुभ मुहूर्त में और नर्मदा जी का विशेष महत्व है। वैसे भी पावन नदियों में स्नान का महत्व और हमारी नर्मदा मैया भारत की पांचवी महत्वपूर्ण नदियों में से हैं और इनको बहुत वरदान है शिवपुत्री के नाम से। और जैसे गंगा यमुना की अपनी वो है गरिमा, ऐसे हमारी नर्मदा मैया का बहुत महत्व है, इसलिए लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और नर्मदा जी का तो वरदान है कि दर्शन मात्र से ही भक्तों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा यमुना में तो स्नान करने से होती है, इनके दर्शन मात्र से 7 दिन में पाप का वो होता है और इसलिए लोग दूर दूर से नर्मदा किनारे आते हैं। नर्मदा जी का असीम कृपा है। सुरक्षा के लिए घाट पर होमगार्ड जवान मोटर बोट के साथ तैनात हैं। सेठानी घाट, कोरी घाट, पर्यटन घाट, मंगलवारा घाट, हर्बल पार्क घाट, सर्किट हाउस घाट, विवेकानंद घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान करने पहुंच रहे हैं। घाटों में जो सेठानी घाट महत्वपूर्ण होता है वहां पर पुलिस बल तैनात है, होमगार्ड भी तैनात है और इसके अलावा जो अन्य घाट हैं जैसे कोरी घाट है, विवेकानंद घाट है, पर्यटन घाट है, सभी जगह पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और अभी तक श्रद्धालुओं का सुचारू रूप से आगमन चल रहा है और लगभग कल से आज तक 10,000 के ऊपर हो चुके हैं दर्शन यहाँ आकर। वहीं घाटी पर किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नर्मदा घाटों पर होमगार्ड के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, साथ ही मुनादी लगाकर लोगों को गहरे पानी में न जाने की भी अपील की गई है। समस्त घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने हर घाट पर बोट और मैं सुरक्षा उपकरणों के जवान तैनात किए हैं। सभी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। अभी तक किसी भी दुर्घटना की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। किन किन घाटों पर आज सुबह से ही स्नान चल रहा है? वैसे तो आज समस्त घाटों पर भीड़ चल रही है लेकिन विवेकानंद और हर्बल पार्क, विवेकानंद, सेठानी घाट, कोरी घाट इनके भीड़ की मात्रा ज्यादा है। नर्मदा घाटों पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, ऐसे में शाम तक 50,000 श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खिचड़ी दान का विशेष महत्व है। नर्मदापुरम से पंजाब केसरी के लिए गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।